गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने दो है लेसन नंबर 5 वह समझ लिया है। आज हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करने वाले हैं। तो अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है कि दोहे है वह भाव गुणगान कीजिए। तो इसमें सुनते जाओ और लर्न है करते जाओ। फर्स्ट उद्यम, तो परिश्रम, उद्यम से ही सफलता मिलती है। सेकंड प्रकृति स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। थर्ड खैर कुशलता, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। फोर्थ कुसंग, बुरी संगति, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। फिफ्थ कंचन सोना, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। सिक्स जपमाला, जप करने की माला, दादाजी जपमाला लेकर मंदिर जाते हैं। सेवन दुख गम या खेद, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। एट भुजंग सांप,
भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नाइन्थ, हर्षे हर्ष खुशी, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? आंसर, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। सेकंड, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? आंसर, अच्छे लोगों की संगति से मेरा चरित्र, विचार, बुद्धि अच्छी बनेगी, समय का सदुपयोग होगा, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा, मुझे निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने की प्रेरणा मिलेगी। थर्ड, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? आंसर, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा रखते हैं, तरह तरह के तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जाप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं, इस प्रकार अनेक आडंबर करते हैं। फोर्थ, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? आंसर, कोई मजबूर होकर, कोई मेहनत करने से बचने के लिए, कुछ लोग अपाहिज है इसलिए, और कुछ कामचोर और बेशर्म लोगों ने भीख को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। थैंक यू।